नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। अब बिहार में एलपीसी बिना भी होगी धान की बिक्री। राज्य के किसानों को धान बेचने के लिए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी कि एलपीसी की जरूरत नहीं होगी। कृषि विभाग की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड किसानों को प्राथमिक कृषि साख समिति की तरफ से धान खरीद के लिए स्वायत्त पत्र माना जाएगा। इससे धान खरीद की प्रक्रिया आसान होगी। किसानों को भी बेवजह अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मिली जानकारी के अनुसार 2 लाख मैट्रिक टन धान खरीद फिलहाल प्रदेश में हो चुकी है। 30 लाख मैट्रिक टन धान का लक्ष्य पिछले साल रखा गया था। 5826 केंद्रों पर प्रदेश में धान की खरीद का काम फिलहाल जारी है। वहीं इस साल की बात करें तो सरकार 45 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य लेकर चल रही है। 20 लाख रोजगार का रोडमैप बनाने में जुटी सरकार। राज्य में 20 लाख रोजगार सृजन करने को लेकर विभाग अपने अपने रोडमैप तैयार करने में जुट गए हैं। विभाग रोजगार के लिए फिलहाल प्रारंभिक कार्य योजना बना रहे हैं। इसके तहत स्थायी और गैर सरकारी पदों और रिक्तियों के आकलन के साथ ही विभागों से इतर रोजगार के और क्या साधन पैदा किए जा सकते हैं इसका निर्धारण किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 20 लाख रोजगार के साथ ही 7 निश्चय पार्ट 2 से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर 21 दिसंबर को बिहार विकास मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक भी उन्होंने बुला ली है। राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मंत्रिमंडल से 20 लाख रोजगार के साथ ही 7 निश्चय 2 को मंजूरी मिलने के साथ ही सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव को रोजगार सृजन की कार्य योजना बनाने का निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहरी घर भूमिहीनों के आवास के लिए बहुमंजिला भवन बनाने की कही बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित शहरों के लिए कई तरह के निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत उन्होंने जल जमाव से मुक्ति के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित करने, कचरे का प्रबंधन, दाह संस्कार के लिए सभी जिलों में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण और परंपरागत एवं धार्मिक तरीके से अंतिम संस्कार के लिए घाटों का विकास करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने गांव में भी उसी जगह पर शवदाह गृह बनाने और उसकी घेराबंदी और पहुंच पथ बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने शहरी बेघर भूमिहीनों के आवास के लिए बहुमंजिला भवन की योजना बनाकर तेजी से काम करने का आदेश जारी किया है। निराश्रित वृद्धा के लिए आश्रय स्थल का निर्माण तेजी से कराए जाने की बात कही गई है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे भिखारी ठाकुर और शशि रंजन की। भिखारी ठाकुर का जन्म आज ही के दिन सारण जिले में हुआ था। भिखारी ठाकुर एक भारतीय नाटककार, गीतकार, अभिनेता, लोक नर्तक, लोक गायक और भोजपुरी बोली में सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता था। शशि रंजन की बात करें तो उनका जन्म आज ही के दिन बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ था। शशि रंजन एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड और टेलीविजन उद्योग में काम करते हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत कम उम्र में अपने पैतृक शहर मधुबनी में की थी। दिल्ली के सिनेमा घरों में कई नाटकों में अभिनय करने के बाद शशि रंजन ने साल 2009 में स्टार प्लस के लिए डेली सोप तेरे मेरे सपने में समानांतर लीड के रूप में अपनी शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में तेजी से धान की खरीद होने की कही बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में धान खरीद को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में सरकारी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी में कोई समस्या नहीं है, यह तेजी से खरीदारी हो रही है। जदयू कार्यालय में नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकार से बातचीत करते हुए उक्त बातें कही हैं। इसके साथ ही दिल्ली के आसपास किसान आंदोलन के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बाहर क्या चल रहा है वो आप सबको मालूम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार में किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने 45 लाख टन धान खरीद के लक्ष्य की बात को भी दोहराया है। प्रदेश के 19 शहरों में होगी जेईई मेंस की परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस 2021 के पहले सत्र के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। देश में परीक्षा के लिए 331 शहरों का चयन किया गया है। एनडीए के वरीय निदेशक विनीत जोशी ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि बिहार के 19 शहरों में जेईई मेंस का आयोजन किया जाएगा। पहली बार औरंगाबाद, गोपालगंज, नालंदा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, नवादा, रोहतास, सिवान, सीतामढ़ी में केंद्र होंगे। इन शहरों के अतिरिक्त पटना, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, आरा, पूर्णिया और दरभंगा में परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जेईई मेंस की आधिकारिक वेबसाइट www.jeemain.nta.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पहले सत्र की परीक्षा का आयोजन 23 से 26 फरवरी तक 2 शिफ्ट में किया जाएगा। पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठंड, ठिठुरन बढ़ी बिहार में। पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवाओं की गति में तेजी आने से राज्य का तापमान और गिरने लगा है। राजधानी के न्यूनतम तापमान में गुरुवार को 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को पारा और
लुढ़कने के आसार हैं। पटना के अलावा गया, भागलपुर एवं पूर्णिया के तापमान में भी गिरावट देखी गई है। हालांकि पछुआ हवा चलने से बादल छट गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी संजय कुमार की माने तो पछुआ हवा की गति काफी तेज हो गई है। वर्तमान में राज्य में पछुआ 25 से 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है। पछुआ अपने साथ भारी मात्रा में नमी लेकर आई है। यह उत्तरी भारत के विभिन्न पर्वतों से टकराकर मैदानी इलाकों में प्रवेश कर रही है, जिससे ठिठुरन बढ़ी है। मौसम विज्ञानियों की माने तो इस तरह की स्थिति आगे भी बने रहने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट के आसार है। पछुआ चलने के कारण राज्य के अधिकांश इलाके में कोहरा एवं धुंध साफ हो गया है। कीमत नहीं मिली तो एक और किसान ने गोभी पर चला दिया ट्रैक्टर। बड़े अरमान के साथ लीज पर लेकर 9 एकड़ जमीन पर फूल गोभी की खेती मुजफ्फरपुर के किसान ने की थी। महाजन से सूद पर पैसे भी लिए थे, सोचा था लाखों की कमाई होगी, मगर फसल तैयार हुई तो फूल गोभी की कीमत 1 से 2 रुपए प्रति किलो भी नहीं मिली थी, जिससे परेशान होकर किसान ने अपनी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। समस्तीपुर में हुए वाक्य के बाद मुजफ्फरपुर के एक किसान ने भी यही किया है। इस बाबत किसान मनोज चौधरी और श्रीदेवी ने बताया है कि सरफुद्दीन से लेकर मुजफ्फरपुर समेत अन्य जगह पर फूल गोभी का थोक मूल्य 1 से 2 रुपए प्रति किलो है। एक मजदूर दोपहर तक 2 क्विंटल फूल गोभी काट पाता है, उसकी दैनिक मजदूरी 300 रुपए हो जाती है। उसके बाद वाहन भरने और लादने उतारने से जेब से ही कुछ रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में अगर कीमत नहीं मिलती है तो नुकसान हमें ही होता है। अब आसानी से मिलेगी मेडिकल बिल। प्रदेश के करीब 7 लाख कर्मचारियों के हक में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 28 अगस्त 2015 के आदेश में राज्य सरकार ने संशोधन कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिली है। जिसके तहत सरकार ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के नियम को और आसान कर दिया है। अब मेडिकल बिल पर संस्थान के अधीक्षक निदेशक के साथ ही कुछ अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर भी मान्य कर दिए गए हैं। सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। प्रदेश के कर्मचारियों को निजी और सरकारी दोनों जगह इलाज की सुविधा मिलेगी। अन्य कर्मियों को होने वाली परेशानी और भुगतान में होने वाले अनावश्यक विलंब को देखते हुए सरकार ने 28 अगस्त के आदेश में संशोधन कर दिया है। नए साल पर पटाखा छोड़ने पर लगाई गई रोक। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में क्रिसमस और नए वर्ष पर पटाखा छोड़ने पर रोक लगा दी है। परिषद ने रात 11:55 से लेकर 12:30 बजे तक ग्रीन पटाखों को छोड़ने की इजाजत हालांकि दे दी है। फिलहाल ग्रीन पटाखे राजधानी पटना, गया और मुजफ्फरपुर में उपलब्ध नहीं है। परिषद ने तीनों जिले के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को हर हाल में पालन किया जाए। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार घोष का कहना है कि राजधानी में आजकल प्रदूषण काफी बढ़ गया है। ऐसे में राजधानी में पटाखे छोड़ना लोगों के स्वास्थ्य के साथ अत्यंत खतरनाक हो सकता है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पहले ही पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर की हवा को अत्यंत प्रदूषित घोषित कर दिया है। तीनों शहर रेड जोन में है। ऐसे में इन शहरों में पटाखा छोड़ना काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में राजीव शुक्ला होंगे नियुक्त। 6 साल उपाध्यक्ष और कई साल तक आईपीएल चेयरमैन रहे दिग्गज कांग्रेसी नेता राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव शुक्ला ने गुरुवार को मुंबई में बोर्ड के मुख्यालय जाकर नामांकन भर दिया है। गुरुवार को नामांकन की अंतिम तारीख थी और इस पद पर उनके अलावा किसी ने नामांकन नहीं कराया है। इसके बाद उनका उपाध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। 24 दिसम्बर को अहमदाबाद में बीसीसीआई की वार्षिक आम सभा में इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। उत्तराखंड क्रिकेट संघ के सचिव महीम वर्मा के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली थी। इसके अलावा आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य के लिए ब्रजेश पटेल और खेरू जमाल मजूमदार ने पर्चा भरा है। 2 पदों के लिए सिर्फ 2 लोगों ने ही पर्चा भरा है। तेजस्वी ने बिहार में कथावाचकों के जंगल राज होने की कही बात। बिहार में बढ़ रहे अप्रिय वाक्यों को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं एक बार फिर से तेजस्वी ने सरकार पर ही सवाल उठाया है, जिसके तहत उन्होंने आज एक बार फिर से ट्वीट करते हुए सरकार का घेराव किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में कथावाचकों का मंगल राज ही मंगल राज है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में भले ही अपराध चरम पर है हो, लेकिन सवाल पूछना मना है, वरना सरकार में बैठे लोग 14वीं सदी के बासी पन्ने पलट देंगे, बिहार वासियों को डराने धमकाने लगेंगे। कृषि कानून पर जारी कांग्रेस के विरोध पर संजय जायसवाल ने उठाए सवाल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उन लोगों से सवाल पूछा और खासकर कांग्रेस को निशाने पर लिया है, क्योंकि कांग्रेस लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। इसी क्रम में उन्होंने कहा है कि जिन कृषि कानून को कभी कांग्रेस और उनके सहयोगी दल खुद पैरवी कर रहे थे, आज वही इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। इससे जाहिर होता है कि इनके लिए किसानों से ज्यादा महत्वपूर्ण राजनीति है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गुरुवार को नौतन चनपटिया में आयोजित किसान चौपाल को संबोधित करने के दौरान उन्होंने बातें कही हैं। उन्होंने आगे कहा कि महज स्वार्थ पूर्ति के लिए आज किसानों से मोहब्बत दिखाया जा रहा है, उनके हक
से वंचित रखने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि वो किसानों को फसल बेचने की आजादी क्यों नहीं देना चाहते हैं। नेहा कक्कड़ ने अपनी तस्वीर शेयर कर प्रेगनेंसी की दी जानकारी। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ जल्द ही मां बनने वाली हैं, जिसका खुलासा उन्होंने हाल ही में शेयर किए गए तस्वीर से किया है, जिसके तहत नेहा ने हाल ही में अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें नेहा डेनिम डंगरी पहने बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती नजर आ रही है। इस तस्वीर में उनके साथ उनके पति रोहनप्रीत भी मौजूद है। इस फोटो को शेयर कर नेहा ने लिखा है #ख्याल रख्या। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नेहा ने 24 अक्टूबर को सिंगर रोहनप्रीत से शादी की थी। इस तस्वीर को रोहनप्रीत ने भी अपने इंस्टा पर शेयर किया है। प्रियंका शर्मा ने बनाई अपने हुनर से लड़कों के क्रिकेट टीम में जगह। बिहार के जहानाबाद जिले की रहने वाली प्रियंका शर्मा ने अपने शानदार बल्लेबाजी के हुनर से जिले के लड़कों के क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका जहानाबाद शहर के गांधीनगर मोहल्ले की रहने वाली है। संजय शर्मा की पुत्री है। संजय शर्मा गुजरात में अपोलो टायर कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करते हैं। प्रियंका ने कंप्यूटर में डिप्लोमा की डिग्री ले रखी है। हालांकि उसकी पहली और आखिरी चाहत क्रिकेटर बनने की है। आपको बता दें, प्रियंका इससे पहले भी अपने कॉलेज सिग्मा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से अनेक यादगार पारी खेल चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने में नीतीश सरकार सफल साबित हो पा रही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।